जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों आपको जानकारी होगी, भारत में नारियल के तेल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। उसके सामने चीन दुनिया में नारियल के तेल का एक प्रमुख खरीददार है, लेकिन चीन अभी तक भारत से नारियल का तेल नहीं खरीदता था। तो सवाल उठता है कि आखिर चीन भारत का नारियल का तेल क्यों नहीं खरीद? तो चीन का कहना यह था कि भारत जो है नारियल का तेल महंगा बेचता है। दुनिया में जो नारियल के तेल का भाव है उससे भारतीय नारियल का तेल करीबन 800 से 1000 डॉलर प्रति टन महंगा बिकता था। हालांकि भारत के नारियल के तेल में कोई कमी नहीं थी, क्वालिटी अव्वल दर्जे की है। जबकि भारतीय नारियल का तेल महंगा है, उसके बावजूद अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देश भारत से नारियल का तेल अभी भी खरीद रहे हैं। लेकिन चीन ने अभी तक भारत का नारियल का तेल नहीं खरीदा था क्योंकि उसे यह लगता था महंगा। लेकिन दोस्तों अब स्थिति बदल गई है। हमारे यहाँ नारियल के तेल की जो डिमांड है वह घटी है, परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ उसकी कीमत भी कम हुई है। जैसे ही हमारे देश में जो नारियल के तेल की कीमतें नीचे आई, तो दुनिया में जो नारियल का तेल का भाव है उसके मुकाबले आ गया भारतीय नारियल के तेल का भाव। अभी भी भारतीय नारियल का तेल थोड़ा सा महंगा है, 100-200 डॉलर प्रति टन, लेकिन पहले जो 1000 डॉलर महंगा था भारत का नारियल का तेल, उसके मुकाबले अब कम महंगा है क्योंकि क्वालिटी हमारी अव्वल दर्जे की है और भाव लगभग इंटरनेशनल प्राइस के बराबर आ गया है। इसलिए चीन के मुंह में आने लगा है पानी। वह सोच रहा है कि लगे हाथों भारत से उठा लो नारियल का तेल ताकि हमारी डिमांड पूरी हो जाए। तो इस प्रकार चीन को हमारे नारियल के तेल की जरूरत आ पड़ी है अचानक से। इसके सामने भारतीय जो एक्सपोर्टर हैं नारियल के तेल के, वो भी तैयार बैठे हैं चीन के मार्केट में घुसने के लिए। रही बात यह है कि चीन के जो क्वालिटी टेस्ट हैं, चीन की जो पॉलिटिकल दीवार है उसको लांघना है, तो उसके लिए भारतीय एक्सपोर्टर्स बातचीत कर रहे हैं भारत सरकार से ताकि चीन में घुसने का जो रास्ता है वह नारियल के तेल के लिए सुगम बनाया जा सके। हमारा नारियल का तेल आसानी से चीन के मार्केट में बिके यह सुनिश्चित किया जा सके पहले ही। साथ में भारतीय एक्सपोर्टर्स यह भी मांग कर रहे हैं कि सोने पर सुहागा हो जाएगा यदि भारत का नारियल का तेल इंटरनेशनल प्राइस की तुलना में सस्ता हो जाए। पहले महंगा हुआ करता था तो चीन नहीं खरीदता था, लेकिन यदि कहीं हमारा नारियल का तेल इंटरनेशनल प्राइस की तुलना में थोड़ा सा सस्ता हो गया या बराबरी पर आ गया तो भाई साहब चीन हमारे नारियल के तेल के ऊपर टूट पड़ेगा। तो भारतीय एक्सपोर्टर्स अपना हित देख रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि जब यह अपेक्षा की जा रही है कि भारतीय नारियल का तेल सस्ता होना चाहिए, तो इसकी गाज भारतीय किसान पर नहीं पड़ना चाहिए। भारत सरकार अपनी ड्यूटीज घटाए, ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन घटाएं, ये लोग जो मुनाफा कमाते हैं बीच में वह अपना मुनाफा घटाएं। भारतीय नारियल के तेल की कीमतों के गिरने का दुष्प्रभाव भारतीय किसानों पर नहीं पड़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है भारत सरकार की। पॉइंट सिंपल है, भारत जो है चीन को नारियल का तेल एक्सपोर्ट करे, लेकिन इसकी कीमत भारतीय किसान अदा ना करे, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है आज के समय में। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग कहेंगे और आपका कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि भारत ने या दुश्मन चीन को जो है नारियल का तेल नहीं बेचना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप जरा इसको दूसरे नजरिए से देखें। चीन पहले भारत से जो है चावल नहीं खरीदता था, आज चीन भारत के सबसे बड़े चावल खरीदार के रूप में जाना जाता है। मतलब हम चीन की अपने ऊपर जो निर्भरता है उसको बढ़ा रहे हैं। आज चीन भारतीय चावल खरीदने लगा, कल यदि वह भारतीय नारियल का तेल खरीदने लगा तो चीन की जो भारत के ऊपर निर्भरता है वह और अधिक बढ़ जाएगी। दुश्मन हम पर जितना अधिक निर्भर हो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। निर्भरता दुश्मनी में कितना काम आती है आप जाके रूस के प्रेसिडेंट पुतिन साहब से पूछ लीजिए। पुतिन साहब ने यूरोप को निर्भर कर दिया रूस पर, परिणाम आज आपके सामने है यूक्रेन युद्ध के दौरान। चीन हम पर निर्भर हो तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए जहां तक हमें समझ में आता है, भारत ने चीन को नारियल का तेल एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि भारत में भी आए चाइनीज पैसा। अब दोस्तों आपको हम बात बताएं, साल 2008 की, हम जो है मार्केट में नए नए घुसे थे, तब जो है निफ्टी खड़ा था 6000 के लेवल पर और हमारे घुसते ही मार्केट टूट पड़ा। 6000 से मार्केट टूट के आ गया था 2000 के लेवल पर। लेमन क्राइसिस हुआ था, भयंकर गिरावट आई थी। उस समय जो है बहुत से लोग शेयर मार्केट को छोड़कर भाग गए, दोबारा फिर वो लौट के ही नहीं आए। लेकिन आप देखिए 2008 में 2000 के लेवल से चला था निफ्टी, और अभी जबकि गिरावट आ चुकी है उसके बावजूद निफ्टी खड़ा है 15000 के लेवल पर।
कहने का मतलब यह है कि 2008 में जिन्होंने मार्केट छोड़कर भागने का निर्णय लिया, समय ने सिद्ध किया है कि वह सही नहीं थे। शेयर मार्केट में सिर्फ टिके रहने पर पैसा बनता है, बशर्ते आप अच्छे माल को सस्ते दाम पर खरीदें, बिल्कुल मौके के साथ। आप अच्छे माल की पहचान कर पाएंगे और उसे मौके पर खरीद पाएंगे, यदि आपके पास होगी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की क्लाइंट। तो साल 2008 से 2022 के बीच जो भी हमने सीखा वह हम सिखा रहे हैं आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स के माध्यम से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, उस पर आप कीजिए क्लिक और ज्वाइन कर लीजिए आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स। यह वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।